चेलिडोनियम मेजस, कॉमन नेम सेलाडीन, फैमिली पेपेवेरेसी। पर्सन्स ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लॉन्ड्स, थिन, स्पेयर, इरिटेबल। चेलिडोनियम ऐसे पर्सन्स की मेडिसिन है जो लाइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। ब्लॉन्ड कहने का मतलब जिनके फेयर या फिर येलो हेयर्स होते हैं। थिन, स्पेयर, इरिटेबल, दुबले पतले लोग। स्पेयर कहने का मतलब अनप्लीजेंट, जिनको अच्छा नहीं लगता है। इरिटेबल, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। सब्जेक्ट टू हेपेटिक, गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, ऐसे पर्सन्स जिनमें लिवर रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड या फिर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स रहती हों, ऐसा ही पोडोफाइलम में भी देखने को मिलता है। ऑफ एवरी एज, सेक्स एंड टेम्परामेंट, ये किसी भी एज के, किसी भी सेक्स के, मेल फीमेल, किसी भी टेम्परामेंट के पर्सन्स हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, लगातार पेन होता रहता है लोअर इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला पे। ऐसा ही कालिकार्ब और मरकरी में भी देखने को मिलता है। अंडर द लेफ्ट, और अगर लेफ्ट स्कैपुला पे पेन हो रहा है तो चिनोपोडियम और सैंग्विनेरिया इंडिकेटेड होती है। एलिमेंट्स ब्रॉट ऑन और रिन्यूड बाई चेंज ऑफ वेदर, सारी दिक्कतें चेंज ऑफ वेदर पे होती हैं, या तो चेंज ऑफ वेदर पे होती हैं या फिर चेंज ऑफ वेदर पे रीन्यू होती हैं, कि जो पहले दिक्कत थी वो फिर से वापस आ जाती है। ऐसा ही मरकरी में भी देखने को मिलता है। एंड ऑल लेसन आफ्टर डिनर, रात को खाना खाने के बाद जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें थोड़ा सा आराम हो जाता है। टंग कोटेड थिकली येलो, जो टंग है वो कैसी होती है, उस पर थिक येलो कोटिंग दिखाई देती है विद रेड एजेस। मार्जिन कैसी होती है, रेड होती है। शोइंग इम्प्रिंट ऑफ टीथ, दांत इस पे जो है वो छप जाते हैं, टंग पे दांत का इम्प्रिंट आ जाता है। ऐसे ही पोडोफाइलम में भी देखने को मिलता है। लार्ज फ्लैबी विद इम्प्रिंट ऑफ टीथ, अगर टंग लार्ज है, बड़ी सी है, फ्लैबी मतलब थुलथुली है, सॉफ्ट एंड फैट, और उस पे दांत छप गए हैं, तो ऐसा मरकरी में देखने को मिलता है। डिज़ायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स, बहुत गरम गरम पीने की इच्छा होती है, गरम चाय, गरम सूप। अनलेस आलमोस्ट बॉइलिंग, स्टमक विल नॉट रिटेन देम, मतलब इतना गरम पीने की इच्छा होती है कि बस स्टमक उनको बर्दाश्त कर पा रहा है, इतना ज़्यादा कि मतलब अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उतना गर्म तक वो पी सकते हैं। ऐसा ही आर्सेनिक में देखने को मिलता है, ऐसे ही कैस्केरिला में भी देखने को मिलता है कि डिज़ायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स। पीरियोडिक ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया, राइट साइड, पीरियोडिक मतलब जो बार बार हो जाता हो। ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया, ये राइट साइड में आई ऑर्बिट के ऊपर न्यूरेल्जिया माने नर्व पेन होता है विद एक्सेसिव लैक्राइमेशन, इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं। टीयर्स फेयरली गस आउट, जो आंसू है, गस आउट का मतलब बहुत तेज़ी के साथ बहना। टू फ्लो सडनली एंड इन ग्रेट क्वान्टिटी, जो आंसू है वो तेज बहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बहता है। ऐसे ही रेस्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कैसा है चेलिडोनियम में, स्टूल हार्ड, स्टूल हार्ड होता है, राउंड बॉल लाइक सीप्स डंग, राउंड बॉल शेप में होता है, जैसे कि शीप का डंग है, भेड़ की जो है वो फिकल मैटर है, वैसा ही होता है। ऐसा ओपियम में और प्लम्बम में भी देखने को मिलता है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है। डायरिया एट नाइट स्लाइमी लाइट ग्रे, डायरिया रात को होता है, स्लाइमी मैंने चिपचिपा होता है, लाइट ग्रे कलर का होता है। ब्राइट येलोइश, ब्राउन और वाइट, वाटरी, पेस्टी, इनवॉलंटरी, डायरिया कैसा कैसा हो सकता है, ब्राइट येलोइश कलर का भी हो सकता है, ब्राउन वाइट हो सकता है, वाटरी मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाला हो सकता है, पेस्टी मैंने चिपचिपा, एंड इनवॉलंटरी यानी अपने आप डायरिया हो जाता है, पता नहीं चलता। फेस, फोरहेड, नोज, चीक्स रिमार्केबली येलो, चेलिडोनियम के पेशेंट में जो फेस है, जो फोरहेड है, जो नोज है, चीक्स हैं, ये सब येलो अपीयर होते हैं, येलो ग्रे कलर ऑफ द स्किन, स्किन का जो कलर है वो कैसा अपीयर होता है, येलो ग्रे कलर अपीयर होता है। विल्टेड स्किन, विल्टेड का मतलब होता है डिहाइड्रेटेड या लूज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी लॉस होने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्किन जो है वो लूज हो जाती है, ऑफ द पाम्स ऑफ हैंड, जो हथेली है ना, ये
पाम, इसकी स्किन कैसी हो जाती है? बेल्टेड हो जाती है, लूज हो जाती है। ऐसे ही सीपिया में भी देखने को मिलता है। हेपेटिक डिजीजेज, जॉन्डिस, पेन इन राइट शोल्डर। लिवर डिजीजेज में जनरली चेलिडोनियम इंडिकेटेड है। जॉन्डिस राइट शोल्डर में पेन होता है। निमोनिया ऑफ द राइट लंग, लिवर कॉम्प्लिकेशंस, राइट लंग का निमोनिया है, लिवर कॉम्प्लिकेशंस में। ऐसे ही मरकरी में भी देखने को मिलता है। स्पाज़मोडिक कफ, स्पाज़मोडिक का मतलब है जो अचानक से आता हो और इरेगुलर इंटरवल्स में होता हो, तो ऐसी खांसी होती है इसको। स्मॉल लम्ब्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम माउथ व्हेन कफिंग, खांसते समय जो है छोटे छोटे म्यूकस के टुकड़े मुंह से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। बेडियागा में भी देखने को मिलता है। कालीकार में भी ये सिम्टम मिलता है कि खांसते समय म्यूकस के टुकड़े बाहर निकलते हैं। एफेक्ट्स राइट साइड मोस्ट, चेलिडोनियम जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है, जनरली राइट साइड को ज़्यादा इफेक्ट करता है। राइट आई, राइट लंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट एब्डोमेन, राइट हिप, राइट लेग। एक और करेक्टरिस्टिक है इसमें, राइट फुट कोल्ड एज आइस, जो राइट फुट है वो बर्फ़ के जैसा ठंडा होता है, लेफ्ट नेचुरल, और लेफ्ट वाला जो है वो नेचुरल रहता है। ऐसा लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है। ओल्ड प्यूट्रिड स्प्रेडिंग अल्सर्स, पुराने बदबूदार फैलने वाले अल्सर्स विद अ हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज़, जिनमें लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री रही हो कि बहुत पहले कभी लिवर की बीमारी हुई थी, तब से ऐसा चला आ रहा है, और ऑफ अ ट्यूबरकुलर डायथिसिस, या जो अल्सर्स हैं वो ट्यूबरकुलर डायथिसिस के हों, यानी ऐसे पर्सन जिनमें ट्यूबरकुलोसिस होने की टेंडेंसी रहती हो, तो ऐसे अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए चेलिडोनियम वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। गाल स्टोन्स विद पेन अंडर द राइट शोल्डर ब्लेड, गाल स्टोन यानी गाल ब्लैडर में स्टोन होना, और इसके साथ साथ जो पेन होता है वो राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे होता है। टेरिबल अटैक ऑफ गाल स्टोन, कोलिक, देन मेडिसिन है यहाँ पर कार्डस मैरियानस, कि गाल स्टोन कोलिक का बार बार अटैक होता, बहुत ज़्यादा पेन होता हो तो कार्डस मैरियानस इंडिकेटेड है। रिलेशंस की बात की जाए, चेलिडोनियम एंटीडोट्स द एब्यूज ऑफ ब्रायोनिया, स्पेशली इन हिपेटिक कंप्लेंट्स। अगर लिवर कंप्लेंट्स में ब्रायोनिया दिया गया है और बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ब्रायोनिया को एंटीडोट करने के लिए चेलिडोनियम दिया जा सकता है। कंपेयर किया जाता है यहाँ पे एकोनाइट को, ब्रायोनिया को, लाइको, मरकरी, नक्स, सेंग्विनेरिया, सीपिया एंड सल्फर। आर्सेनिक, लाइको, सल्फर फॉलो वेल। आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, ये चेलिडोनियम को फॉलो करते हैं, फॉलो वेल, एंड विल ऑफन बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द क्योर। और अक्सर जो है वो चेलिडोनियम देने के बाद अगर क्योर कम्प्लीट करना है तो आर्सेनिक, लाइको या सल्फर, जैसे सिम्टम मैच हो रहे हैं उसके उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको देने से क्योर कम्प्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी।